सामने वालों को कैसा पता चलेगा? जब आप उसको वो चीज बताएंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं? सोचिए, जवाब पता है क्या आएगा? आप अपने आप को ही सबसे बेहतर पहचानते हैं और जानते हैं। दैट मींस योरसेल्फ। अब अगर मैं बात करूं, सिर्फ अपने आप को पहचानना ही काफी नहीं है, अपनी उस पहचान को सामने वाले को बताना भी है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने बारे में जब आप सामने वाले को बताते हैं, मींस व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग योर ओन सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स, और व्हेन यू आर सेइंग और टेलिंग और इनफॉर्मिंग, सेइंग टेलिंग एंड इनफॉर्मिंग अबाउट योरसेल्फ टू द अदर पर्सन इज नोन एज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसमें आइए देखते हैं क्या चीजें हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसको आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं मी ट्रायंगल। मी ट्रायंगल कहता है कि तीन मेन चीजें होती हैं जो आपको बतानी चाहिए जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज नेम एंड प्लेस। नाम, वो आप किस स्थान से हैं, प्लेस। सेकंड पॉइंट ये कहता है दैट यू शुड टेल अबाउट योर एजुकेशन, योर एजुकेशन एंड द प्लेस कि आपने वह पढ़ाई कहां से की है। जो तीसरा क्वाड्रेंट है वो ये बताता है अबाउट योर हॉबीज और योर स्किल्स। अब मैं अगर पूछूं, इन तीन क्वाड्रेंट्स में ही आप अपने आप को बेस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे, सर ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो टॉपिक है इसका हम यूज कहां करेंगे? आप इसका यूज कर सकते हैं इंट्रोड्यूस में, क्योंकि इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो आइए जानते हैं और गहराई से इन तीनों क्वाड्रेंट्स के बारे में। सबसे पहला क्वाड्रेंट वो कह रहा है नेम एंड प्लेस। जब कभी आप हिंदी में बताते हैं ना, हिंदी में बोला जाता है मेरा नाम अक्षत पुरी है। जब मैं इस चीज को इंग्लिश में बताऊंगा, इट वुड बी माय नेम इज अक्षत पुरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको कभी भी माय सेल्फ यूज नहीं करना है। नेवर यूज माय सेल्फ अक्षत पुरी, नो इट इज रॉन्ग। यू हैव टू यूज माय नेम इज। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहली चीज। आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड चीज में चलते हैं, दैट इज प्लेस। प्लेस वो जगह है या तो जहां से आप बिलोंग करते हैं या जहां आप रह रहे हैं। इसको हम ये बताते हैं कि मैं सोनीपत से हूं या मैं भवानी से हूं, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? आइदर वी विल से आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम सोनीपत, और आई रिसाइड, मैं रहता हूं कहां? इन सोनीपत। ये दो चीजें हैं जो कि आपका एक स्टार्टअप शो करती हैं जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, नाम व स्थान। सेकंड क्वाड्रेंट कहता है एजुकेशन। अब आप लोग कुछ कंफ्यूज होते होंगे कि सर एजुकेशन किस ऑर्डर में बोला जाए या कहां से शुरू किया जाए। हमेशा ध्यान रखना, या तो शुरुआत करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, मींस पहले आपका मास्टर्स, अगर आपने मास्टर्स की है, देन बैचलर्स मींस पोस्ट ग्रेजुएशन, देन अंडर ग्रेजुएशन, जिसको हम बैचलर्स डिग्री बोलते हैं जो आप बाद में बात करते हैं, देन आता है 12, फिर आता है 10, मींस I completed my master's from so and so university from this place. जो ये वाला place है वो education से adjustment में है, ध्यान रखिएगा।
जैसे कि अगर मैं बात करूं, आई कंप्लीटेड माय 10 फ्रॉम होली चाइल्ड स्कूल सोनीपत। अब इसमें दो चीजें आ गई, पहली कि मैंने दसवीं कहां से की है और मैंने दसवीं कौन सी जगह पे, मीन सोनीपत से की है और किस स्कूल से की है। अब अगर हम बात करते हैं एजुकेशन को बताने का तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो वर्ड यूज होते हैं। 10th को कहा जाता है मैट्रिकुलेशन, इसको कहा जाता है मैट्रिकुलेशन। पहले टाइम पे इसको मैट्रिक्स कहा जाता था दसवीं को, आज उसे मैट्रिकुलेशन कहा जाता है इंग्लिश में। एंड 12th को आप सब जानते ही हैं, दैट 12th इज अ सेकेंडरी स्कूल, जिसको हम हायर सेकेंडरी भी बोल देते हैं। दैट आई कंप्लीटेड माय हायर सेकेंडरी फ्रॉम सो एंड सो स्कूल। अब जब हम लोग इस थर्ड क्वाड्रेंट पे चलते हैं ना, हॉबीज एंड स्किल में, यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये होता है, सर डिफरेंस क्या होता है हॉबी में और स्किल में? What is the difference between hobbies and skills? Basically, these both are used interchangeably. हम इन words को use करते हैं, बहुत बार interchangeably हम इसे use कर देते हैं, और हमें नहीं पता होता है। Hobbies वो चीजें होती हैं जो आप अपने free time में करते हैं। Hobbies वो चीजें होती हैं जो आप अपने free time में करते हैं। For example, you could have said drawing, dancing. लेकिन skill क्या है? Skill वो demonstrative चीजें हैं जो आप आगे अपने करियर में यूज करते हैं टू बिल्ड योर करियर। हो सकता है इफ आई से माय स्किल्स इज टू परफॉर्म ऑन अ कंप्यूटर, मींस मुझे एमएस वर्ड आता है, मुझे एमएस पीपीटी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वो आता है, या एमएस एक्सेल आता है, दैट इज माय स्किल। बट इफ यू आर सेइंग दैट आई लाइक टू सर्च नेट, मींस मुझे इंटरनेट पे सर्च करना पसंद है चीजों को, वो मेरा हॉबी कहलाएगा, नॉट स्किल। साइमल्टेनियसली अगर मैं ये बात करता हूँ कि मुझे पसंद है कि मैं वेबसाइट्स बनाऊँ, इट वुड बी अ गुड स्किल ऑफ माइन, लेकिन अगर मैं उसी चीज को फ्री टाइम में कर रहा हूँ तो वो क्या बन जाएगा, मेरा हॉबी। सो द थर्ड वन इज हॉबीज एंड स्किल्स। अब आप सोचेंगे सर कि तो तीन ही पॉइंट्स बने, नहीं ये तीन पॉइंट्स नहीं बने, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि आप इंट्रोडक्शन में यूज करते हैं, मींस इट्स अ फ्रेमवर्क टू परफॉर्म और टू मेक योर इंट्रोडक्शन। इसके अंदर में अब तीन चीजें और ऐड होंगी, दैट इज द ओपनिंग, क्लोजिंग एंड द इंटरमीडिएटरी कनेक्टिंग लाइंस। इसमें तीन चीजें आती हैं, दैट इज ओपनिंग ऑफ दिस, इंटरमीडिएट लाइंस एंड द क्लोजिंग। अब आप सोचेंगे सर ओपनिंग, यस, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं यू नीड टू फर्स्ट ओपन द कन्वर्सेशन। ओपनिंग होती है हमेशा तीन वर्ड्स के साथ में, या अगर मैं इसको डिवाइड करूं फॉर्मल और इनफॉर्मल में, एक होता है बहुत कैजुअल वे, एक होता है प्रोफेशनल वे। द कैजुअल सेज आई एम हेलो, whereas professionally thing says to be in the form of greetings, जिसमें आती हैं आपकी तीन opening greetings, good morning, good afternoon and good evening। friends please ध्यान रखिए, good night opening greeting नहीं होता है, good night is the closing greeting। opening greetings में सिर्फ तीन आती हैं, good morning जो कि आप सुबह के time बोलते हैं, good afternoon जो कि आप दोपहर में कहते हैं, good evening जो आप शाम को 4 बजे के बाद बोलते हैं। सेकेंड चीज आती है इंटरमीडिएटरी लाइंस, मींस मैं कैसे तीनों फेजेस को कनेक्ट करूं, द लाइंस दैट वुड हेल्प मी टू कनेक्ट दीज थ्री फेजेस। उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, दैट इज यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बोथ द क्वाड्रेंट्स। जैसे कि माय नेम इज अक्षत पुरी, आई एम फ्रॉम सोनीपत, यहां तक में मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है मुझे जब एजुकेशन पे जाना है, या तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूं, सर एज फार एज माई एजुकेशन इज बीइंग कंसर्न, नाउ अभी मैंने क्या किया है, एक इंटरमीडिएटरी लाइन डाली, जिसकी वजह से जो इंटरव्यूअर है उसका सीधा ध्यान कहां जाएगा, मेरी एजुकेशन पे। तो अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे अपने इंटरव्यूअर का ध्यान कहां खींचना है,
मेरे फेस टू पे मींस अब मैं अपने एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो जो भी सामने क्वेश्चन है जो मुझे सुन रहा है उसको पता लगना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। सर एज फार एज माई एजुकेशन इज बीइंग कंसर्न, मैंने उसमें क्या किया, नेम के बाद में अपनी एजुकेशन से मैं बताने लगा, आई हैव जॉइंड दीज टू फेसेस, मैंने इनको ज्वाइन किया, इनको सेपरेट नहीं रखा। सेपरेट रखने में क्या होता है, माय नेम इज अक्षत पुरी, आई एम फ्रॉम सोनीपत, देन अ पॉज, फिर हम चुप हो जाते हैं या फिर हम लोग अटक जाते हैं। जो एक वर्ड होता है ना अ, वो नहीं आना चाहिए बीच में, उसी को कवर करने के लिए इंटरमीडिएटरी लाइन्स यूज होती है। जब आप एजुकेशन का बता देते हैं तो या तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं अपने हॉबीज के साथ में एजुकेशन के बाद, या फिर आप किसी के साथ में बता सकते हैं, सर आई लाइक टू डू दिस इन माय फ्री टाइम, या सर माय लाइक्स आर दीज, माय डिसलाइक्स आर दीज। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए, इट शुड बी योर नॉट समवन एल्स, ये इंट्रोडक्शन आपका अपना होना चाहिए। डोंट ट्राई टू कॉपी द थिंग्स फ्रॉम अदर्स, कहा जाता है नकल मत करो, क्यों, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है आपका अपना है, किसी और का नहीं है। तो जब आप इस इंट्रोडक्शन पर बताते हैं किसी को भी, सो बी हैप्पी व्हेन यू आर सेइंग एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू नो हैव प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि हाँ मैं अपने आप को दर्शा रहा हूँ। तो इन दो बातों का ध्यान हमेशा रखिए। अब आ रही आती है क्लोजिंग की, मीन्स मुझे उस इंट्रोडक्शन को क्लोज भी करना है, आई कैन कीप इट ओपन, मैं उस इंट्रोडक्शन को ओपन नहीं रख सकता, मुझे उसे क्लोज भी करना है। उसके लिए मैं यूज करूंगा या तो थैंक यू, या फिर डायरेक्टली मैं ग्रीटिंग्स भी कर सकता हूं, सर दिस इज फ्रॉम माई साइड, दैट्स इट, डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स, इन चीजों को ज्यादा लंबा ना खींचे। क्यों, उनका फोकस आपके इन तीन फेजेस पे है, क्लोजिंग पे उनका फोकस नहीं होगा, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये है अभी तक का इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के तीन क्वाड्रेंट्स, इसीके साथ में मैं आपको फोर्थ क्वाड्रेंट बताऊंगा। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है दैट इज अबाउट फैमिली, मुझे उसके लिए एक अलग वे से उसको लेना पड़ा, एंड आई हैव नॉट एडेड इट इन दिस मी ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आइदर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जिसमें आपने अपने बारे में बताया, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है टेल अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। तो इस चीज के लिए अभी तक आपको अपना इंट्रोडक्शन पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद हम चलेंगे फैमिली। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन बना लिया होगा। अब हम बात करते हैं योर फैमिली। बहुत सारी क्वेरीज ये आती हैं कि सर अपने इंट्रोडक्शन में फैमिली को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बताओ। सी गाइस, फैमिली हर किसी के बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है लाइफ में, तो मेरे अकॉर्डिंग वो हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए, लेकिन इट शुड बी योर डायरेक्ट फैमिली, मींस द फैमिली दैट इज इंफॉर्मिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड योर real siblings, your real siblings, not about your cousins, not about your uncles and aunts, and if you are your joint family, just make it clear कि आप तो भी सिर्फ अपने parents के बारे में ही सबसे पहले discuss कर रहे हैं। आइए, पता है family का भी बहुत प्यारा triangle बनता है। Intro towards my family, ये है first phase. सेकेंड फेज है माई पेरेंट्स, थर्ड फेज इज सिबलिंग्स, दिस इज नोन एज द फैमिली ट्रायंगल, इसको हम एफ ट्रायंगल बोल सकते हैं। हमने इससे पहले मी ट्रायंगल पढ़ा था जिसमें हमने नेम प्लेस, एजुकेशन प्लेस और हॉबीज और स्किल पढ़ा था, और फैमिली ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे इंट्रोड्यूस अबाउट योर फैमिली, सेकेंड अबाउट योर पेरेंट्स, थर्ड अबाउट योर सिबलिंग्स। अब आगे आती है सर, जो ये इंट्रो टू फैमिली है ये क्या है। देखो इंडिया में दो ही टाइप की फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, वन इज जॉइंट फैमिली
वन इज द न्यूक्लियर वन, ज्वाइंट फैमिली, अ फैमिली जिसके अंदर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, क्लियर, वो है ज्वाइंट फैमिली। मींस आप आपके पेरेंट्स आपके ब्रदर सिस्टर्स के अलावा भी आपके साथ में दादा दादी चाचा जी चाची जी ताया जी ताई जी सब रहते हैं आपके साथ, दैट इज अ ज्वाइंट फैमिली। मींस एक पूरा फुल फ्लेज्ड ज्वाइंट फैमिली, वेयर एज न्यूक्लियर फैमिली मींस जस्ट पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। इसको और अगर हम ध्यान से समझें तो वो ये होता है, ज्वाइंट फैमिली में आपके एंसेस्टर्स तक means your grandparents' house. That is a perfect example of a joint family. Whereas nuclear means you and your parents. आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो जब भी आप introduce करेंगे अपने family को, directly say, sir, I live in a either nuclear family or joint family. I live in a joint family. I live in a nuclear family. देखिए friends, कभी-कभी जब आप ये statement बोलते हैं, सामने से एक question अपलोड किया आता है, what are the benefits of the family in which you live? What are the benefits of the family in which you live? तो आप clear बता सकते हैं कि joint family में क्या variations या क्या positive चीजें होती हैं, जो कि हम लोग next video में cover करेंगे। Simultaneously nuclear families में क्या do's and don'ts या क्या plus या minus वाले points होंगे। Clear? Second चीज about your parents. In this you need to inform about your mother and your father, but don't mention their name. आप उनका नाम mention नहीं करना, आपको सिर्फ parents का भी occupation तक ही बताना होगा कि वो क्या काम करते हैं, वो कहाँ कार्यरत है basically. Like for example, my father is a teacher. Okay? My father is a professor, my father is a businessman. Whereas my mother is a perfect housewife. मदर्स के लिए हमेशा ध्यान रखिए, इफ योर मदर इज अ हाउसवाइफ स्टॉप और यू कैन से चेंज द वर्ड ऑफ हाउसवाइफ फॉर गेटिंग टुवर्ड्स हाउस मेकर एंड वी ऑल नो आवर मदर्स आर द परफेक्ट सो वी वुड बी राइटिंग परफेक्ट हाउस मेकर्स बिकॉज शी मैनेजेस हर हाउस द बेस्ट वे एनीवन कुड डू। That is about your parents. Third is your siblings. Means about your brother or your sister. But again, you need not to disclose their names. Just tell them that yes, my brother is pursuing so and so. Means pursuing का मतलब होता है जो वो भी कर रहा है. My brother is pursuing class 12 or he is pursuing graduation and my sister is in college life or anything of that sort. So what is that basically? This is basically a complete introduction in which you are disclosing your two things. One is knee triangle and the F triangle. Knee triangle is about you and F triangle is that support that you are getting from the family and you are standing here to inform someone else. Lekin, ab ek cheez aati hai. Isko jab hum bolne pe aate hain, abhi to kya hai ki hum log ye bata rahe hain कि इंट्रोड्यूस करना है, पेरेंट्स के बारे में बताना है, सिबलिंग्स के बारे में, इसमें भी आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। यस, वी हैव द ओपनिंग फ्रेज जिसको हम बोलते हैं, दैट इज सर और मैम, हूएवर इज आस्किंग यू और जिसको भी आप बता रहे हैं, In my family, this is the way to start. In my family, we are four persons. Including me. Now, this statement, in my family, we are four persons including me. It very clearly states that yes, two are gonna be our parents. One is you, that you have informed yourself about knee triangle. The fourth one is your sibling. So this is the way that how do we connect and how do we open up an introduction towards our family. अब हम लोग चलेंगे closing of this introduction.
ये इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन का भी क्लोजिंग बन सकता है, इन विच यू आर थैंकिंग, एक ग्रेटिट्यूड आप कर रहे हो किसको, उस पर्सन को जिसने आपको सुना है. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. जैसे आप देखते हैं ना हमारी वीडियोस पे लास्ट में आता है लिखा हुआ थैंक यू फॉर वॉचिंग. व्हाई डू वी डू सो, क्योंकि हम खुश नसीबी समझते हैं कि आपने हमारी वीडियो को देखा. उसी तरीके से आप ये कुछ नसीबी बिलीव करवाना चाहते हैं उस पर्सन को जिसने आपको सुना. सो लास्ट में रहता है थैंक यू सो मच. सो विद दिस टुडेज टॉपिक एंड्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का सेशन है वो आपको कहीं ना कहीं एक बेटर प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएगा, जब आप अपने बारे में खुलकर किसी को बता पाएंगे और आपको पता रहेगा कि किन किन पॉइंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है. थैंक यू. गो. तो ताकि आप तक हमारी ऐसी ही IFESM हरियाणा की तरफ से वीडियोस पहुंचती रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें. थैंक यू.